हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जस्ट अभी सो के उठी हूँ गाइस, बहुत नींद आई थी। मेरा तो आज नींद खुल ही नहीं रहा था, मैं क्या ही बोलूं। उठकर मुंह धोया, आंख साफ किया, अब भूख लगी बहुत ज्यादा मुझे। मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने के लिए, आप लोग भी चलो मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। हैप्पी ने चाय और नाश्ता रेडी कर रखा है यहाँ पे मेरे लिए। इतना अच्छा पति। देखो मैं सो के उठी और मुंह हाथ धोया, आंख साफ किया, उतने में हैप्पी ने नाश्ता रेडी कर दिया मेरा। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करूंगी। ये मेरे अकेले का नाश्ता नहीं है, इसमें जो है हैप्पी का भी है, मम्मी का भी है और मेरा है। ये मेरा चाय, इतना चाय, ये तेरा थोड़ी मेरा है। देखो चाय, देखो कितना भरा हुआ चाय है। इतना चाय कोई पीता है? मम्मी, मेरी सास और मेरा पति एक एक ग्लास भर के पीते जूस की तरह। मम्मी आ जाओ ना, वो बात भी देख लेंगे। आ जाओ, ठंडा हो रहा ब्रेड। आ जाओ आ जाओ, चलो मम्मी जी आ रहे। मेरा चाय कौन सा? ये ये रहा मेरा चाय। देखो जी, देखो मेरा चाय। आप लोग चाय पियोगे? ठंड में दिन में जितनी बार भी चाय मिल जाए मजा ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा अभी का चाय है, फिर हम शाम को पियेंगे। दोपहर को एक दो बार मार लिया तो कोई बात नहीं। अब मैं जल्दी जल्दी अपना चाय पी लूं, भूख लगी बहुत ज्यादा। मैं तो ऐसे खा लेती हूँ, लेकिन अर्श मेरा बेटा है ना, वो ये सब निकाल के उसको दोगे तो ही खाएगा। वो भी सिर्फ जैम के साथ, उसको गर्म करके दो तो नहीं खाएगा। अभी हमने इसमें जो है व्हाइट मक्खन लगा के गर्म किया हुआ है, व्हाइट मक्खन के लगा के हम इसमें खाते बटर। अच्छा लगता, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। ठंड में चाय एकदम अमृत की तरह लगती है। आप लोग बताना आप लोग को कैसे लगती है, ठीक है? अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मिलती हूँ फिर बाद में। बाय।